हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैंने हंगरी स्पिरिट्स चैनल ने आपको बहुत पहले सबसे पहले एक वीडियो बना के बताया था कि बिग बॉस के घर में आ रही है राधे माँ, राधे माँ आएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं सर, राधे माँ नहीं आएगी, राधे माँ इसका किया था। तो फिर बाद में ये चीजें थोड़ी सी दब सी गई थी। अभी डिटेल में बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, बिग बॉस में स्वामी ओम ने इतना बवाल मचाया था कि वो बिग बॉस स्वामी ओम वाला बिग बॉस के नाम से पुकारा जाने वाला था, लगा था। आपको पता होगा ये स्वामी ओम के ऊपर जो भी वीडियो बनती थी सुपर डुपर हिट जाती थी। इसी तर्ज पे बिग बॉस 12 में भी उन्होंने एक साध्वी को लेके आने का प्रयत्न किया, तो लेकिन वो फ्लॉप हो गई, वो ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, जो कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी राधे माँ के साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारे भक्त भी है उनके, बहुत सारे अनुयायी भी है। गुरदासपुर से मुंबई तक का सफर तय करने वाली राधे माँ अब आखिरकार बिग बॉस के घर में आएंगी। बिग बॉस के लिए उनको बड़ी बार अप्रोच किया गया, तो लेकिन लेकिन हो सकता है कि राधे माँ को अब लगा होगा चलो लॉकडाउन में अब इतना हो गया तो बहुत ज्यादा डिवोटी भी नहीं आते तो चलो बिग बॉस में ही चलते हैं। तो दोस्तों, प्रोमो शूट हो चुका है, प्रोमो शूट हुआ प्रोमो शेयर भी किया जा चुका है, लीक भी हो चुका है। ये प्रोमो दिखाया जाने वाला है जहां पे राधे माँ और सुखविंदर कौर माथे पे लंबा तिलक लगा के हाथ में त्रिशूल पकड़ के बिग बॉस के घर में एंटर होती हुई दिखाई देती है। तो ये राधे माँ को देखने के लिए आप कितने ज्यादा उत्सुक हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।